फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे? यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोहू फिश और ये हरे मसाले में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अच्छे से पहले फ़िश को वॉश कर लेंगे, जो है लेमन को जो है स्क्वीज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने टेस्ट के हिसाब से जो है इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारे मसाले को पीस लेंगे और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए हम हरे मसाले में क्या क्या लेंगे, ये मिक्स कर दिए अच्छे से, अब हरे मसाले को पीस लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कोथमीर, हरी मिर्ची अब अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे और अदरक लहसुन ले लेंगे और इसका जो पेस्ट डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पुदीना नहीं डालूंगी और आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसका जो है हम हरे मसाले का पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं और पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची का हम जो है पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 4 ml, और फिर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, पेस्ट जो है रेडी हो गया है। तो हमने जिसमें लेमन और जो सॉल्ट जो हमने मैरिनेट किया था, अब इसको हम इसमें डाल देंगे, इन मसालों को जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया ना, और इसमें जो 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर का आटा डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्रेंड्स इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिर आधे घंटे के बाद इसे हम डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारी रेडी हो गई रोहू फिश फ्राई हरे मसाले की, तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।